नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र का बड़ा हादसा, पीएसी के टेंट में घुसा अनियंत्रित डंपर, दो सिपाहियों की मौत, अन्य कई जवान घायल। पीएसी 38 बटालियन अलीगढ़ के दो जवानों की मौत, गाजियाबाद निवासी है दोनों मृतक जवान। पीएसी के जवानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ा कैंटर, किसानों को दिल्ली जाने के लिए लगे बैरियर के किनारे था पीएसी का कैंप। घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे से पुलिस महकमा में मचा हड़कंप। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में 4 नंबर बैरिकेडिंग पर हुआ हादसा। बीसीएन न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक पीएससी मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर, सेना नायक 38वीं वाहिनी एवं अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण द्वारा पीएससी के दोनों आरोपियों को रिजर्व पुलिस लाइन में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। जनपद के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत जोखाबाद क्षेत्र 4 नंबर चौराहा के पास शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ की एफ कंपनी के जवानों की ड्यूटी लगी थी। 2 फरवरी को प्रात ड्यूटी के दौरान हाईवे पर डीसीएम कैंटर एवं डंपर के मध्य हुई भिड़ंत के कारण दो पीएसी के आरक्षी प्रवीण कदम, पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम मुरादाबाद थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद एवं प्रवीण कुमार पुत्र रंजीत सिंह निवासी अंबेडकर नगर कॉलोनी गली नंबर 2 इंदिरा गढ़ी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद की दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस महानिरीक्षक पीएससी मुरादाबाद अमित चंद्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह व सेना नायक 38वीं वाहिनी अलीगढ़ अनीस अहमद अंसारी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में दोनों आरक्षियों के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए गए एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोकाकुल परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी गई तथा मौके पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण कर्मचारियों द्वारा भी शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। दोनों आरोपियों के पार्थिव शरीर को रिजर्व पुलिस लाइन में अंतिम शोक सलामी देने के उपरांत उनके शरीर को ससम्मान परिजनों के सुपुर्द किया गया। बीसीएन न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज मुकदमे में वेब सीरीज से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ मिर्जापुर पुलिस ने भेजा बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस। 15 दिनों के अंदर अपना बयान दर्ज करवाने का निर्देश। देहात कोतवाली थाने में मिर्जापुर वेब सीरीज टीम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जारी किया गया नोटिस। मिर्जापुर वेब सीरीज की टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देहात कोतवाली थाने में मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस ने वेब सीरीज से जुड़े 7 लोगों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी को 15 दिनों का समय अपना बयान दर्ज करवाने के लिए दिया गया है। बता दें कि इस मामले में 17 जनवरी को देहात कोतवाली थाने में वेब सीरीज के खिलाफ अरविंद चतुर्वेदी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसकी विवेचना व पूछताछ के लिए देहात कोतवाली थाने के थानाध्यक्ष विजय कुमार चौरसिया के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम मुंबई गई थी, मगर वहां पर वेब सीरीज टीम का कोई भी सदस्य नहीं मिला। टीम किसी से भी पूछताछ करने में नाकाम रही और खाली हाथ वापस लौट आई। अब एक बार फिर मुकदमे में पूछताछ के लिए पुलिस ने नोटिस जारी कर वेब सीरीज से जुड़े लोगों को कानूनी कटघरे में खड़े रहने का प्रयास शुरू कर दिया है। बता दें कि इस मामले में मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़े 3 लोग, निर्माता रितेश साधवानी, फरहान अख्तर, भौमिक गोडलिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा वेब सीरीज के लेखक सैती 3 अन्य लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा गया है। एक्चुअली एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो है हमारे कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर में। मिर्जापुर सीरीज में कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर प्रथम दृष्टया आपत्ति थी और उसी आधार पर अभियोग दर्ज हुआ था। तदनुसार हमारी टीम बॉम्बे गई थी और बॉम्बे से प्रयास किया था लोगों के जो कंसर्निंग है उनसे बयान लेने का, तो चूंकि वो लोग अवेलेबल नहीं हो पाए थे तो उस संबंध में एक जो सीआरपीसी का रूल होता है 160 सीआरपीसी के तहत हम सफीना इशू करते हैं और सफीना के तहत उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और जल्दी ही उनके बयान दर्ज कर लिए जाएंगे। सर, कितने दिनों का आपने समय रखा है? हमने 15 दिन का समय दिया है उसमें कि नोटिस प्राप्ति से 15 दिन के अंदर अपना बयान जो है, जैसी स्थिति होती है वो लोग भी अब संपर्क करेंगे। अगर वो नोटिस मिलता है तो लोग निश्चित तौर संपर्क करें, वकील के माध्यम से संपर्क करेंगे तो तदनुसार फिर उनमें डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, कुल 7 लोगों को नोटिस गई है यहाँ से। बीसीएन न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। मथुरा गिरिराज दलहटी गोवर्धन में मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ने दानघाटी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। एसडीएम गोवर्धन राहुल यादव व सीओ गोवर्धन रविकांत पाराशर ने समिति की अगवानी की।
समिति के सभी पदाधिकारियों ने दानघाटी मंदिर पर गिरिराज पूजा अर्चना कर मनोती मांगी। मंदिर सेवायत मथुरा प्रसाद कौशिक, रमाकांत कौशिक, पवन कौशिक, मंदिर सेवायत मथुरा प्रसाद कौशिक, रमाकांत कौशिक, पवन कौशिक आदि ने दुपट्टा प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। समिति के सभापति पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि समिति आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद के 4 दिवसीय दौरे पर है। सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों और उन पर मुख्यमंत्री व मंत्रियों सहित राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिए गए आश्वासनों का क्रियान्वयन कराना समिति का दायित्व है। मथुरा में गोवर्धन के विकास संबंधी बरसाना के रूप में निर्माण संबंधी व छाता के शुगर मिल संबंधी आश्वासन व एयरपोर्ट निर्माण आदि के आश्वासनों का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। समिति में सभापति पंडित श्याम सुंदर शर्मा, अलीगढ़ के विधायक दलवीर सिंह, फिरोजाबाद विधायक मनीष असीचा, फतेहपुर विधायक विक्रम सिंह, बंदायू विधायक राजीव कुमार सिंह, फरुखाबाद विधायक सुशील शाक्य, बहराइच विधायक सुभाष त्रिपाठी, बाराबाकी विधायक बैजनाथ रावत व श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे उपस्थित थे। समिति का गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष पंडित खेमचंद शर्मा, फतेह सिंह सचिव, एन के शर्मा, लक्ष्मी नारायण गोस्वामी, विपिन गौड़ आदि लोगों ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपदीय टीम हापुड़ नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने निजामपुर कट के पास हाईवे 9 पर चेकिंग के दौरान चोरी करने वाले अंतरपदीय गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक संदिग्ध आयशर केंटर, 6 टायरा व भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जदौन के आदेश अनुसार जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह प्रभारी जनपद टीम बी व उप निरीक्षक सरवन गौतम चौकी प्रभारी सिकंदर गेट ने अपनी फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना पर निजामपुर कट के पास से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें इस गैंग का सरगना विनोद खन्ना अपने साथियों के साथ हाईवे पर एवं धापु पर खड़े लोडेड वाहनों को टारगेट बनाकर अपना आयशर कैंटर को लोडेड वाहन के बराबर में लगाकर उसमें से सामान चोरी करके अपने कैंटर में भरकर दूर दराज से जनपदों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। तो वही पूछताछ में अभियुक्त गन द्वारा बताया गया कि बरामद सामान दिनांक 28 जनवरी व 29 जनवरी की रात्रि में कोलकाता हाईवे पर खड़े लोडेड वाहन से सामान चोरी करना बताया गया। वही अभियुक्त गनों के कब्जे से एक संदिग्ध आयशर कैंटर, 6 टायरा व भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हापुड़ कोतवाली नगर की टीम द्वारा SOG बी टीम के साथ मिलकर निजामपुर कट के पास से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनसे बड़ी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। इन चोरों के द्वारा हाईवे पे जो वाहन खड़े रहते हैं, लोडेड वाहन खड़े रहते हैं, उनके बगल में अपना कैंटर लगा के वो सारा सामान वहाँ से उठा के कैंटर में डालकर चोरी कर लिया जाता था। इन सभी खिलाफ अभियोग दर्ज करके कार्रवाई करी जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।